बर्फी तर खूप गोड असते, पण आता ही बरेली की बर्फी कशी आहे, चटकदार असणार आहे असं काहीतरी वाटतंय, मसालेदार सुद्धा दिसतेय, कारण कृती सोबत आहे, आयुष्मान आहे आणि राजकुमार आहे, तिघं सोबत आहेत. आता काय हा मसाला बघतोय आणि बरेली की बर्फी कशी आहे आम्हाला सांगा. सही बोला आपने की बरेली की बर्फी मीठी भी है, मसालेदार भी है, स्पाइस भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है. क्योंकि ये सिर्फ मिठास होगा तो ज्यादा मीठा खा के मजा नहीं आता ना, हर तरह का फ्लेवर आपको इसमें नजर आएगा बरेली की बर्फी. बरेली की बर्फी फिट्टी. लड़के देखने आए, किसी को पसंद नहीं आ रही. अरे कोई तो कमी होगी लड़की में. क्या वर्जिन है? नहीं है. और तुम्हारा नाम क्या बेटा? चिराग दुबे. शादी होगी तुम्हारी? और कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है ना अच्छे हैं और उसे पसंद है. प्रीतम विद्रोही. ये कहाँ मिलेंगे? ये कहाँ मिलेंगे, आपने आने में कुछ साल देरी कर दी. ये नहीं रहे, मतलब इस शहर में नहीं रहे. आई थिंक यूपी का जो एक फ्लेवर है वो कूट कूट के भरा है इस बरेली की बर्फी में. और बहुत अलग दुनिया है, बहुत फनी पर बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. तो आई थिंक वो देख के आपको लगेगा कि यू नो ऐसा मेरे भी लाइफ में कोई इंसान है, या ऐसी मेरी भी मम्मी एकदम ऐसी करती है. तो वो जो एक चीज़ है वो आई थिंक अश्विनी जो कि डायरेक्टर है हमारी फिल्म की, उन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म में वो चीज़ लाई है. सिर्फ तुम ही जानते हो उन्हें, एक बार मिलवा दो ना हमें. हमारा हिंदुस्तान देखिए वो छोटे शहरों छोटे इलाकों में बसता है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ आर कंट्री. तो इसी एक छोटे शहर के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारी फिल्म में है, जिनसे आई थिंक हमारा जो हमारी जो देश है वो उसके देश की जनता बहुत कनेक्ट कर पाएगी, बहुत रिलेट कर पाएगी इस कहानी से, इसके मजेदार किरदारों से. लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, समझे? अब आपका दिल टूटा जा फूटे उससे हमें क्या. ए बहुआ बन जाओ लीचड़ और रंगबाज. ये मूवी में एक लोकल कनेक्शन दिख रहा है, और जैसे कि आप दोनों ने पहले एक लोकल कनेक्शन वाली फिल्में की है, जैसे मेरी प्यारी बिंदु भी हो सकती है, और राजकुमार जी आपने तो बहुत क्वीन से लेके बहुत ऐसी फिल्में की है, कृति का शायद ये पहला ऐसा लोकल कनेक्शन वाला ये है. और ऐसी आजकल बहुत फिल्में आ रही हैं जो एक मतलब गाँव की स्टोरी हो या शहरों की, लेकिन फिर भी एक जैसे आप बोल रहे हैं कि कनेक्ट हो जाती है, और वो टोन भी आता है, लैंग्वेज टोन भी बहुत अपना सा लगता है, ना कि एक बहुत ही एकदम फिल्म हिंदी नहीं होता, तो एक अपनापन महसूस होता है. तो इस लोकल कनेक्शन के बारे में आप एज एन एक्टर क्या कहना चाहोगे? देखिए लोकल कनेक्ट, जितना आप लोकल जाएंगे उतना ग्लोबल जाएंगे, उतना लोग आपको देखना पसंद करते हैं, उतना आई थिंक शहर वालों के लिए तो एग्जॉटिक होता है कि यार हाँ ये जिस गांव का जो टोन पकड़ा है, ये शहर का टोन पकड़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, वहाँ से ह्यूमर क्या निकल कर आता है, वो देखकर उनको मज़ा आता है, वही आपको बरेली की बर्फी में नजर आएगा. सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे. कड़क चाय कड़क है भिट्टा लो. पर विद्रोही जी वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था. आई थिंक अगर आप अलग अलग दुनिया की फिल्म्स करते हैं, अगर जो फ्लेवर है वो अलग हो हर फिल्म में, तो एज एक्टर्स भी आपको करने में मजा आता है, और एज एन ऑडियंस ऑल्सो कुछ नया देखने को मिलता है उन्हें. सो यू नो आप जो बात कर रहे हैं, अगर कंटेम्प्रेरी सिनेमा में भी रिलेटेबल कैरेक्टर्स हों, रियल कैरेक्टर्स हों, और वो जिस तरह से बात करते हैं ऐसा नहीं लगे कि वो डायलॉग्स हैं, तो वो भी कनेक्ट कर सकती है. बट या आई थिंक यूपी का एक छोटा शहर जो है उसमें जो कहानी बसी है कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सी लगती है, सो दैट डज कनेक्ट. बट कितना टफ था आपके लिए, क्योंकि शायद ये ऐसे प्रकार की फिल्म आपकी शायद ये पहली है जिसमें. ये पहली बार था कि मैं एक स्मॉल टाउन यूपी की लड़की प्ले कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट काफ़ी टॉमबॉयश है. पहली बार है कि एक डायलेक्ट जो है वो पकड़ना पड़ा एक फिल्म के लिए. बट मुझे बहुत मज़ा आया, आई थिंक बहुत अलग था मेरे लिए. एंड एज एन एक्टर जब आप कुछ जो हटके करते हो या जो आपने नहीं किया है वो करते हो, तो वो एक्सपीरियंस करने में भी बहुत मज़ा आता है. सो आई थिंक हमारा जो सारा स्टार कास्ट है, वेदर इट्स आयुष्मान, राजकुमार, सीमा पावा, पंकज त्रिपाठी, ऑल ऑफ देम वर सो together as a family, you know, and we were just few people. We were just few people who were joking around, having fun, and still shooting. संगम है. करण अर्जुन पण इथे अवतरलेत अचानक. ये लोकल. आई थिंक बींग लोकल इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन. हर बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं जो कॉन्टेंट ड्रिवन है, छोटे शहरों से आ रही हैं. तो बरेली की बर्फी की खासियत ये है कि बहुत ही रियल है ये, इसका जो और फनी है,
यूनिकली फनी है, जिसे देखने आप कैसे ये लोग बिना डायलॉग के भी कितना फनी हो सकते हैं, तो सोचिए इनको अगर अच्छे डायलॉग दे दिए जाए तो कितना उम्दा करेंगे। तो ये सब जो हमारी फिल्म में है, फिल्म की यही खासियत है। अबे डिप्रेस करने भेजा था, इंप्रेस करके आ गए हो। असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने? अगर शक्ल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते। एक हीरोइन दो हीरो, मुझे एक क्या विशेष होता है दोगानाई दो हीरोइन हमारे पास निकाल एक ही ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं करते अपने आप को। नहीं मुझे पता है असलियत रियलिटी। कम ऑन, कृति के सामने सब फेक है, हीरोइन तो हीरोइन होती है। But how was it was enjoyable journey for three of you? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम तीनों का। पहली बार हम अभी ट्रायो सामने आए हैं, मैं राजकुमार और कृति, और इनकी जो खासियत ये है कि कितना हेल्प करते हैं एज एन एक्टर। देखो जैसे कितना लुक देखो इतनी अच्छी दे रहे हैं लोग, और क्यूज़ काफ़ी परफेक्ट दी उन्होंने हमें। और इसके अलावा हम तीनों अलग एक्टर्स हैं बहुत, और कम्बाइंड टुगेदर इन बरेली की बर्फी, तो बरेली की बर्फी की मिठास और खटास जो भी है सब अच्छी हो जाती है। मुश्किल से बोला मैंने, ये तुम देख रहे हो तारीफों के गुल ज्यादा ही हो रहे हैं। तारीफों के पुल पुल पुल, वो मेरा हिंदी समान। तो मतलब ये दोनों के साथ काम करना कितना बेहतरीन रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग एक्टर्स, एंड फॉर मी ऑलवेज ऑन द सेट दे वर कैरेक्टर्स, यू नो आई फेल लाइक आई वॉज टॉकिंग टू द कैरेक्टर्स जब हम सीन्स कर रहे थे। और दोनों बहुत मतलब इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, दे नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन पार्ट, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक अ सीन व्हेन इट्स कोलैबोरेटिव इट्स रियली नाइस, एंड इट टर्न्स आउट टू बी मैजिकल। सच में इनकी आई बढ़िया, मतलब मुझे हमें लगा जान उसके प्रोपेगेंडा है, हम नीचे होते हैं ताकि लंबी नजर आए। आपके शूज की हील देखे नहीं जरा? हाँ हील है, नहीं है इनकी, इनकी भी नहीं है, आज असलियत सामने आ गई है। आई थिंक जिस दिन हम ऐसे अपनी फीमेल्स को औरतों कैसे ऊपर दर्जा देंगे ना, उसी दिन हमारा देश जो है और महान हो जाएगा। क्या बात है, मतलब 15 अगस्त की वाइट भी आज से लेकर पैदा हुई। मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे। गानों के बारे में तो बोलना ही चाहिए, बहुत कमाल के गाने। और कहती आप तो गाने मतलब कमाल ही कर देती हो हमेशा। इस बार राजकुमार भी एक सरप्राइज पैकेज बन के आ गए। सब उसके बाद मुझे मजा आता है डांस करने में, मैं हमेशा से बचपन से मैं डांस कर रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स जिस तरह की स्क्रिप्ट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ उसमें उम्मीद नहीं, स्कोप नहीं होता है कि मैं डांस करूँ। ऑफ कोर्स शाहिद खान यू नो सडनली टर्न इनटू अ डांसर इन द कोर्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर जिस फिल्म में मौका मिलता है डांस करने का, आई एंजॉय इट, आई थोरली एंजॉय इट, और मुझे आगे कभी मौका मिला होगा डांस करने तो मैं करूँगा। आपको कि मैं सिर्फ यही करूंगा, अभी अगर ऐसे किसी फिल्म की डिमांड है जहाँ पे मेरा कैरेक्टर डांस करते हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो नहीं होगा आगे की फिल्म। न्यूटन ओमेटा में नहीं है, बोस में भी नहीं है, आगे कुछ ऐसा होगा तो जरूर। अगले साल डांस करेंगे वो 2018 शो में डांस करना। और ये ट्विस्ट कमरिया और स्वीटी का ड्रामा और ये सब गाने कितने एंजॉय किए आप? मैं आई थिंक डांसिंग बहुत एंजॉय करती हूँ। आई थिंक फॉर मी इट्स थेरेप्यूटिक, इट्स समथिंग दैट इज माई फेवरेट स्ट्रेस बस्टर। और मैं बचपन से डांसिंग का बहुत शौक रहा है मुझे, तो हमने एक दिन में एक्चुअली रिहर्स भी नहीं किया ज़्यादा इस गाने के लिए। वो ऑन द सेट ऐसा फील हो रहा था कि हम शादी में आ गए और बस मस्ती करनी है।
नखरारे बटन पे शरारे जो नाचे तो सितारे टूटे ब्यूटीफुल जो कर दे इशारे तो गिरते कवारे अदाओं पे फुवारे छूटे ब्यूटीफुल बालकनी पे तेरी आग गड़ा के नाचे छोरे द्वारे रे ब्रेक डांस पसंद है तो कृति को भी ब्रेक डांस भी पसंद है। मैंने सीखा तो नहीं है एज अ फॉर्म, लेकिन हाँ मुझे हर तरह का डांस पसंद है। आई थिंक इट्स द मोस्ट अमेजिंग वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्या कॉमन है बिट्टी में और आप? सोच शायद, जिस तरह से बिट्टी सोचती है, जिस तरह से बिट्टी सोचती है बहुत लिबरल है वो, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हर चीज़ पे लॉजिक लगाती है और अपने रूल्स पे जीती है, तो वैसी हूँ। स्मॉल टाउन गर्ल्स को आप क्या मैसेज कर देना चाहोगे? हाँ ठीक है, प्लीज मैसेज दे दो। मैं उनको एक टेक्स्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी योरसेल्फ एंड एम्पावर योरसेल्फ। आई थिंक एज अ माइंडसेट, अगर हम बचपन से क्वेश्चन करें ना जो हमें बोला जाए कि ये नहीं करना चाहिए लड़कियों को, अगर आप उस पर क्यों लगा दो ना कि क्यों नहीं करना चाहिए और आप वो पूछो एक्चुअली, तो बहुत सारी चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो जस्ट फॉलो थिंग्स, डू थिंग्स दैट यू रियली वॉन्ट टू डू एंड फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स एंड वॉच करेली की बर्फी ऑन 18th। ब्लाइंड ट्रेडिशंस हम फॉलो करते आ रहे हैं गांव में है या शहरों में भी, तो वो उसको थोड़ा सोच विचार के साथ। हाँ उन पे एक्चुअली अगर हम सोचे कि क्यों नहीं करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं निकलता है उनका, तो आई थिंक वो क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी मैसेज टू स्मॉल टाउन गर्ल्स? आई थिंक सबसे पहले तो फिल्म देखिए, क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर है बिट्टी का, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसे आप अपनी आज़ादी, अपने फ्रीडम, जो आप करना चाहते हैं वो करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके लिए आप अगर नहीं मिले तो डिमांड कीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। And I think just ask for your rights, जो भी आपके rights हैं, be it education, be it freedom to choose, freedom to decide, वो सब बहुत ज़रूरी है। ये हैं मम्मी, 2000 का नोट फंसा के रखा था, वो साथ लिए जा रहे हैं, उसको और हमको ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी मुसीबत। थोड़ा सा है अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो जो स्पेशली दूसरा जो कैरेक्टर है विद्रोही, तो थोड़ा सा लाउड और ब्रैट है, उसको आप मतलब जज नहीं कर सकते वो कब क्या कर देगा, क्या बोल देगा, तो वही मज़ा था आई थिंक, जिस तरह से उसको लेके आए थे ये कुछ और प्रेडिक्ट करके, पर वो कुछ और कर देता है, यही मज़ा है आई थिंक उसका विद्रोही कैरेक्टर का, कि यू नेवर नो व्हाट दिस गाय विल डू नेक्स्ट। आपका एक डायलॉग है फिल्म ट्रेलर में कि अगर शक्ल देख के लड़की शादी करती। अच्छा मेरा प्रीतम विद्रोही का है, तो प्रीतम विद्रोही तो अगर शक्कर देख के लड़की शादी करती तो हिंदुस्तान में शायद आधे लोग हमारे होते। जी जी, ये थॉट से आप भी बात, ये तो आपको हमें हमारे राइटर्स को पूछना पड़ेगा, उन्होंने लिखा है कि सच्चाई उस थॉट से आप वाकिफ हैं? हाँ नहीं, वही उनको पूछना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने क्या सोच के ये बात लिखी है, पर आई एम श्योर ऐसा है कि सब सिर्फ शक्ल देख के शादी नहीं करते हैं, पूरी पर्सनालिटी देखते हैं, कई लोग अरेंज मैरिज होती है, कई लोग शक्ल तक नहीं देखते हैं शादी के पहले, तो अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है शायद अगर सिर्फ शक्ल देख के शादी होती तो एज एन एक्टर आप ये ऑफ कोर्स मानते हैं, क्योंकि सिर्फ शक्ल देख के इतने टैलेंटेड एक्टर्स हमारे सामने नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक टैलेंट के टैलेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद शक्ल आती है। सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूल्हे पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। कड़क चाय कड़क है बेटा, लो। पर विद्रोही जी वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। अबे डिप्रेस करने भेजा था, इंप्रेस करके आ गए हो। असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने? अगर शक्ल देख के लड़के शादी करती ना
तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कब आ रहे होते हैं। सिर्फ शक्ल से शादी भी नहीं होती, सिर्फ शक्ल से फिल्में भी नहीं मिलती। तो हाँ, इनफैक्ट आपका टैलेंट जो है वही आपको ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाता है। आपकी जो खूबी होती है, जो किरदार होता है, कैरेक्टर होता है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शक्ल तो आपकी बिगड़ भी जाएगी उम्र के साथ साथ, जो भी है मतलब उतनी भी खूबसूरत नहीं रहेगी। आई थिंक शक्ल पर जाना ही नहीं चाहिए, आपकी सोल जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कृति, एग्जैक्टली थोड़ा सा अपोजिट आपके लिए है, क्योंकि आपने बोला था कि यू आर सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल फॉर द फिल्म। एक ऐसी हेडलाइन भी छप गई है एक आर्टिकल में। नहीं, वो बहुत ही अजीब तरह से लिखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जब फिल्में मुझे नहीं मिली थी, तब मुझे किसी ने बोला था कि कुछ तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन कुछ इम्परफेक्शन होना चाहिए, यू नो, रियल कैरेक्टर नहीं लगते हो बना तुम। तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि इसका क्या मतलब हुआ। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हाउ यू लुक, आई थिंक हाउ यू लुक इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू आर इनसाइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो, तीन खूबसूरत दिल वाले लोग मुझे मिले हैं अभी यहाँ पे, पर जाते जाते एक हाथ स्टेप तो प्लीज होना चाहिए। 1 2 3 गो। स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा, न लाए जो नजरिया जुल्म होई गवा, हम तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने, अरे सुन ले दिल हो गए। महाराष्ट्र की भाभी के साथ हरेली की भाभी। मराठीत एकदा मराठीत बोला प्लीज। मराठी अजय नाव राजकुमार राव आहे, और हमारी फिल्म आ रही है बरेली की बर्फी 18 अगस्त को, प्लीज जाके देखिए। 18 अगस्त ला बरेली की बर्फी नक्की वाला मराठीत ही सांगितलेला आहे, बरेली की बर्फी आता 18 अगस्त ला पाहायलाच पाहिजे।